एपीटीवी भारत आवाज देश की। प्रदेश का हर वर्ग शोक में है। हमारे देश के शहीद जवानों को जितना याद किया जाए उतना कम है। इन वीर जवानों को याद करते हुए लखीमपुर खीरी मोहम्मदी में युवा प्रेस क्लब के मेंबर्स इकट्ठे हुए और उन्होंने कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादी हमले में हुए शहीद जवानों की शहादत को याद किया। वहां मौजूद पदाधिकारी और सदस्यों ने पुलवामा में 40 जवानों की मौत के बाद अपना रोष प्रकट किया और इस हमले की निंदा की। आतंकवादी हमले में शहीद हुए सभी जवानों की आत्मा को शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। इसके साथ ही सरकार से अपील की गई कि इस हमले का बदला तुरंत लिया जाए। इस शोक सभा में प्रमुख रूप से सुखविंदर सिंह, कमल गुप्ता, रवि शुक्ला के अलावा सभी क्लब के सदस्य मौजूद रहे। हमारे सैनिक जो घर से छुट्टी उठाकर अपने ड्यूटी पर जा रहे थे, जो पाकिस्तान की नाजायज औलादे जो है आतंकवादी जो लगातार हमारे कश्मीर हमारे देश को विच्छिन्नकारी करने में कर रहे हैं, इसी संबंध में हम लोग शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और भारत सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे नापाक लोगों को जो आतंकवादी गठबंधन करके देश को अस्थिर कराने की कोशिश कर रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दें, चाहे पाकिस्तान के दर्शन करना हो या एक एक आतंकवादी जो उनको संरक्षण दे रहे हैं, जो उनसे बात कर रहे हैं, जो उनको पनाह दे रहे हैं, तो चाहे पत्थरबाज हो या आतंकवादी हो, ये घटना बहुत ही शर्मनाक है। देश में पहली ऐसी घटना है कि 42 सैनिक हमारे शहादत देश की है, उनके परिवारजनों को उनकी आत्मा के लिए हम सब हृदय से सलाम। उस हौसले को जो कभी न घर लौट कर आने के लिए देश की सुरक्षा में तैनात रहे। सलाम उन माता बहनों को जिन्होंने अपने राष्ट्र के लिए अपने बेटे और भाई को न्योछावर कर दिया। एपीटीवी भारत के लिए लखीमपुर खीरी से संजय राठौर की रिपोर्ट।